हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 28 मई 2019 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और इसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सहित कई न्यूज़पेपर और पीएबी रिपोर्ट्स के एनालिसिस से आपके लिए तैयार किए गए। अब पिछले 2-3 दिनों का वीडियो नहीं आ पाया था करेंट अफेयर्स, वो सब आज आपको रात तक मिल जाएगा। आप वेट करना जरूर, जितना अभी पीछे का छूटा हुआ है सब आपको कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स। क्वेश्चन होगा, इंडियन एयरफोर्स ने किस विमान को बायो जेट फ्यूल से संचालित करने के लिए प्रमाणित किया है? देखिए, इसी पहली बार है जब एयरफोर्स ने किसी विमान को बायो जेट फ्यूल से संचालित करने की पूरी तरह अनुमति दे दी है। अब तक केवल टेस्टिंग ही होती थी। तो इसका आंसर होगा AN-32। ओके, तो इसके तहत क्या होगा? तो बायो जेट फ्यूल है वो, उसका 10% मात्रा जो है वो नॉर्मल ईंधन में मिलाया जाएगा और इससे उपयोग किया जा सकता है। देखिए, 26 मई 2019 को ये प्रमाण मिला है AN-32 को। ओके, देखिए, पिछले 1 साल से इसके लिए ट्रायल चल रहा था और एयरफोर्स ने आखिरकार ग्रीन एविएशन फ्यूल को मान्यता दे ही दी है अपनी तरफ। तो ये फ्यूल कैसे क्रिएट होता है, बनता कैसे है? देखिए, ये जेट्रोफा फ्यूल है। जेट्रोफा फ्यूल जो है वो जेट्रोफा नामक एक पौधे से तैयार होता है और पिछले साल आपको ध्यान में होगा कि स्पाइस जेट ने जेट्रोफा तेल के मिश्रण से बने फ्यूल को यूज करते हुए और विमान उड़ाया था। ओके, एक ट्रेन भी चलाई गई थी 10% फ्यूल को इस्तेमाल करते हुए दिल्ली से अमृतसर तक। ओके, तो ये जो जेट्रोफा पौधा है वो बंजर और ऊसर जमीन पर भी उग सकता है, इसलिए इसकी उपयोगिता बढ़ी है। और कहाँ तैयार हो रहा है? तो देखिए, ये CSIR IIP प्रयोगशाला देहरादून में इसका उत्पादन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL किस संगठन का कॉमर्शियल हिस्सा है? इसका आंसर होगा इसरो। देखिए, 23 मई 2019 को ही इसरो के सलाहकार डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने बेंगलुरु में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन किया है। क्या होगा इसके थ्रू? तो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में ये निजी उद्यम को बढ़ावा देगा, ये कंपनी देगी, और SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV इसके विकास और उत्पादन में काम करेगी। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, और अध्यक्ष कौन है? KC1। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने किस वजह से 7 जून को पद छोड़ने की घोषणा की है, यानी इस्तीफा देने की घोषणा की है 7 जून को? तो इसका आंसर होगा ब्रेग्जिट मुद्दे पर बार बार हार की वजह से। देखिए, संसद में उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि संसद में बहुमत है उनका। ओके, और खास बात है कि टेरेसा मे ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो दूसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी टेरेसा मे, जो कि 7 जून को इस्तीफा देने वाली है। ब्रेग्जिट क्या है? तो ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से एग्जिट, उसी को ब्रेग्जिट कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, सब एटॉमिक यानी एटम से भी छोटे कणों की खोज करने वाले किस नोबल पुरस्कार विजेता भौतिकविद का निधन 24 मई को हो गया है? तो इसका आंसर होगा मुरे गेल-मैन। वो 89 ईयर के थे और न्यू मैक्सिको में अंतिम सांस ली उन्होंने। देखिए, उन्होंने सब एटॉमिक कणों को 8 समूह में बांटकर फिजिक्स की दिशा ही बदल दी थी, ऐसा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, भारतीय लोकसभा चुनाव 2019 में चुनी गई देश की सबसे युवा सांसद का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा चंद्राणी मुर्मू। वो बीजू जनता दल के टिकट पर क्योंझर लोकसभा सीट से यानी ओडिशा से लड़कर आई हैं, चुनाव लड़कर। 25 साल की हैं चंद्राणी मुर्मू, इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में 33% महिला सांसदों को भेजने का काम ओडिशा ने किया है और सबसे कम उम्र की महिला सांसद को भी भेजने का काम ओडिशा ने ही किया है। अगला क्वेश्चन होगा, WHO ने हाल ही में किन 2 देशों को मलेरिया से मुक्त घोषित किया है? इसका आंसर होगा अल्जीरिया और अर्जेंटीना। देखिए, इन 2 देशों में पिछले लंबे समय से मलेरिया का कोई भी मामला देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ मैं कुछ आंकड़े दे दूँ WHO के, कि वर्ष 2017 में मलेरिया की वजह से दुनिया भर में 4,35,000 लोगों की मौत हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 मई। ओके,
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में किस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा YSR कांग्रेस। फुल फॉर्म क्या है इसका? युवजन श्रमिक रयतू कांग्रेस पार्टी। ओके, उसे चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 151 सीटें मिली हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, हाल ही में बांग्लादेश में मौजूद किस आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है भारत के द्वारा? आंसर होगा जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश। देखिए, केंद्र सरकार ने आतंकवाद विरोधी नियम के तहत बांग्लादेश बेस्ड आतंकवादी संगठन जमात उल बांग्लादेश यानी JMB पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संगठन पर आरोप है कि उसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और भारत में युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने को प्रोत्साहित किया है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका। मुद्रा क्या है? टका। और प्रधानमंत्री का नाम आप लोग बताइए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2019 का दूसरा संस्करण 20 से 24 मई को किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा असम। देखिए, टोटल 16 कंट्री के 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और भारत ने 57 पदक जीते हैं। इनमें 12 गोल्ड मेडल, 18 रजत और 27 कांस्य शामिल है। आयोजन किसने किया था? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। तो दोस्तों, ये था 28 मई 2019 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगली वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। आज थोड़ा शॉर्ट में बताया मैंने, कल से डिटेल में आपको बताऊंगा। और हाँ, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि पिछले 2-3 दिनों का जो करंट अफेयर्स है वो आपको आज रात तक मिल जाएगा। आप वेट करना, जरूर देखना उसे। ओके, बाय बाय।